के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश से गुजरात तक नर्मदा का उफनता पानी सब कुछ तबाह करने पर तुला है। नर्मदा ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार नर्मदा का जल स्तर 130 मीटर के पार चला गया। नतीजा यह हुआ कि ओंकारेश्वर बांध के सारे गेट खोल दिए गए हैं और हाहाकार मचाता पानी गुजरात के 80 गांवों के लिए काल बन गया है। पानी की दिल दहला देने वाली ऐसी तस्वीर आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। यह है गुजरात का नर्मदा बांध, जिसके काबू से बाहर हो चुका है नर्मदा का पानी। बांध के सारे गेट खोल दिए गए और हाहाकार मचाता पानी तबाही मचाने निकल पड़ा है। ये गुजरात के जीवाडोरी की तस्वीर है। नर्मदा ने अपने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़े और 131.10 मीटर के जल स्तर तक पहुंच गई। नर्मदा बांध की इस भयावह स्थिति को देखने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। दरअसल नाजुक हालात में प्रशासन ने बांध का नजारा देखने वालों के लिए बने पहले व्यू पॉइंट को बंद कर दिया है। अब हुंकार भरती नर्मदा की कुछ और तस्वीरें देखिए। देखिए जीवा डोरी में नर्मदा पर बने घाट के नीचे बना मंदिर कैसे जलमग्न हो गया है। बेकाबू हो चुका पानी गुजरात के तीन बड़े जिलों को तबाह करने पर तुला है। नर्मदा के किनारे बसे भरूच और बड़ोदरा जिले के 80 गांवों में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। नर्मदा डैम में जो लेवल इस बार 130 के ऊपर जा रहा है, ये एक ऐतिहासिक स्तर है। आज तक नर्मदा डैम में कभी इतना लेवल आया नहीं था, 130 को क्रॉस नहीं किया था। नर्मदा बांध में दिल दहला देने वाली हद तक पानी कहां से आया? इस सवाल का जवाब हम आपको इस नक्शे की मदद से देते हैं। देखिए, यहाँ है मध्य प्रदेश में बना ओंकारेश्वर डैम। यहाँ से 12 लाख क्यूबिक फीट पानी हर सेकंड नर्मदा में छोड़ा जा रहा है। ये पानी इस रास्ते से गुजरात में दाखिल हो रहा है। ओंकारेश्वर से गुजरात तक बहती नर्मदा में इतना पानी है कि वह अपने किनारों को तोड़ने पर आमादा दिख रही है। ओंकारेश्वर बांध में मध्य प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से पानी बढ़ता जा रहा है। अपनी क्षमता से बाहर होने की वजह से ओंकारेश्वर बांध का पानी गुजरात की तरफ छोड़ा जा रहा है। जल प्रलय के इस हालात में वडोदरा जिले के करीब 1500 लोगों को सुरक्षित इलाकों में ले जाया गया है। वडोदरा के 26 गांवों को बाढ़ की चेतावनी दे दी गई है, जबकि भरूच में 5000 लोगों को बचाया गया है। वहां 27 गांवों को अलर्ट पर रखा गया है। नर्मदा के 32 गांवों को चेतावनी दी गई है। यहां 800 लोगों को सुरक्षित ठिकाने तक ले जाया गया है। अगर मध्य प्रदेश में बारिश नहीं थमी तो नर्मदा गुजरात में बड़ी तबाही मचा सकती है। विशाल पाठक, नर्मदा, गुजरात।